Today presentation on DC track circuit working by myself Mulchand Singh, Chief Instructor Signal, S&T Training Center, Ghaziabad. आज हम DC track circuit पर अध्ययन करेंगे. DC track circuit वह electrical circuit है जो रेल की पटरियों पर किसी निश्चित स्थान पर लगाया जाता है, जिसमें रेल की पटरियां सर्किट का हिस्सा होती हैं तथा जिसके द्वारा यह पता चलता है कि जिस हिस्से पर वह लगाया गया है वह खाली है अथवा नहीं. डीसी क्लोज्ड ट्रैक सर्किट. डीसी ट्रैक सर्किट दो प्रकार का होता है, जिसमें एक डीसी क्लोज्ड ट्रैक सर्किट और दूसरा डीसी ओपन ट्रैक सर्किट. तो डीसी क्लोज्ड ट्रैक सर्किट का ये डायग्राम है. इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक सेकेंडरी सेल है. इसको चार्ज करने के लिए कि ये ट्रैक फीड बैटरी चार्जर है. ये नेगेटिव और पॉजिटिव लीड से बैटरी कनेक्ट और बैटरी से पॉजिटिव वायर वेरिएबल रेजिस्टेंस या फीड रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट, और ये नेगेटिव वायर ग्रीन, और ये जो बॉक्स है ये ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स. फिर जम्पर केबल हमारे ये ग्रीन कलर की नेगेटिव रेल से और रेड कलर की पॉजिटिव रेल से. ये पोर्शन यहाँ पर इंसुलेटेड है, तो ये इंसुलेशन जॉइंट है. इट मे बी RDSO टाइप नाइन ऑल टाइप जॉइंट और इट मे बी ग्लूड जॉइंट. तो ये दिस इज इंसुलेशन जॉइंट. ये ट्रैक सर्किट की रेल है, इसमें नेगेटिव पोलरिटी है, इसमें पॉजिटिव पोलरिटी है. और ये जो सिरा है ये सिरा कहलाता है फीड छोर या फीड एंड. ये सिरा रिले से कनेक्टेड है तो ये रिले छोर या रिले एंड कहलाता है. पॉजिटिव लीड नेगेटिव लीड ये TLJB के थ्रू ये जो है सेल्फ टाइट ट्रैक रिले से कनेक्ट है. और ये ट्रैक रिले हमारी ये ट्रैक रिले है. डीसी क्लोज्ड ट्रैक सर्किट आरी क्षेत्र में कैसा होता है ये फिगर से आप देख सकते हैं. इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ प्रोवाइड की गई है वो बी टाइप की चौक है फीड एंड और रिले एंड पर, दोनों पर. तो ये फीड एंड पे नेगेटिव साइड में एक ये बी टाइप की चौक लगाई गई है सीरीज में. बी टाइप चौक की वैल्यू रेजिस्टेंस 3 ओम और इम्पीडेंस 120 ओम 50 हर्ट्ज पर. और ये इधर रिले छोर पर चौक है. बाकी सर्किट उसी के जैसा है. जैसा कि इसमें अंतर ये है कि हम इसमें सेल्फ टाइप के ट्रैक रिले प्रयोग ना करके हम इस्तेमाल करते हैं प्लग इन टाइप रिले. तो प्लग इन टाइप रिले, ये प्लग इन टाइप रिले है और इसमें प्लग इन टाइप रिले की पिकअप वैल्यू 1.4 वोल्ट होती है. तो उसकी वजह से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो एक सेल के बजाय तो कम से कम 3 या 4 सेल हमारे सेकेंडरी सेल प्रयोग होते हैं. अब हम इसमें डीसी ट्रैक सर्किट में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के बॉन्डों का वर्णन करेंगे. तो ये जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? ये बॉन्ड 4 प्रकार के होते हैं. इसमें सबसे पहले ट्रांसवर्स बॉन्ड आप देख रहे हैं. ट्रांसवर्स बॉन्ड ये पोलरिटी को एक रेल से दूसरी रेल में देता है. देखिए यहाँ से ये नेगेटिव रेल है और ये स्ट्रिप आयरन स्ट्रिप के द्वारा ये रिजिडली कनेक्टेड है फिर ये दूसरी रेल में, चूँकि यहाँ पर आपके दोनों तरफ ये इंसुलेशन जॉइंट है तो यहाँ पर पोलरिटी चेंज होती है. ये एक दूसरी फिगर है सेम इसी की. दूसरा क्रॉस बॉन्ड. क्रॉस बॉन्ड एक ट्रैक में नेगेटिव रेल से दूसरी नेगेटिव दूसरे ट्रैक की दूसरी नेगेटिव रेल में इस स्ट्रिप के द्वारा इस बॉन्ड के द्वारा ये कनेक्ट किया गया है. तो दिस इज नोन एज क्रॉस बॉन्ड. देन थर्ड वन इज लॉन्गिट्यूडनल बाउंड. लॉन्गिट्यूडनल बाउंड जहाँ पर ट्रैक सर्किट के अंदर के पोर्शन में हमारी
दो रेलें वेल्डेड ना होके फिश प्लेट के द्वारा नट बोल्ट के द्वारा कसी रहती हैं। तो ये पोर्शन है, देखिए। तो ये हमारे कंटिन्यूटी देने के लिए ये बॉन्ड इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ ये भी देख सकते हैं, ये पुराने टाइप का 7 स्ट्रेन वायर का एक जम्फर भी इसमें दिख रहा है, ये भी लगा सकते हैं। बट ये जो है ये एक अच्छा तरीका है लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड का। देन फोर्थ वन इज स्ट्रक्चरल बॉन्ड। स्ट्रक्चरल बॉन्ड ये आरी क्षेत्र में, ये बॉन्ड सारे आरी क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। तो ये ओवरहेड इक्विपमेंट आरी क्षेत्र में OHE मास्ट है। तो ये चूँकि अर्थ में इरेक्टेड है तो ये जो है हमने नेगेटिव रेल के साथ स्ट्रक्चरल बॉन्ड से होते हुए नेगेटिव रेल के साथ इसको हमने बाइंड किया है। तो दिस इज स्ट्रक्चरल बॉन्ड। यहाँ पर भी इसका ये देखिए फिगर दिखाइए। देन कंटिन्यूटी बॉन्ड, ये कंटिन्यूटी बॉन्ड है। जो लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड या कंटिन्यूटी बॉन्ड एक ही बात है। ट्रैक सर्किट का जो प्रकार है वो सोर्स या सप्लाई की दृष्टि से तीन प्रकार का होता है। इसमें नंबर एक DC ट्रैक सर्किट, नंबर दो AC ट्रैक सर्किट, नंबर तीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट। तो DC ट्रैक सर्किट आपके दो प्रकार का है, ओपन DC ट्रैक सर्किट और क्लोज्ड DC ट्रैक सर्किट। तो ये DC ओपन ट्रैक सर्किट और DC क्लोज्ड ट्रैक सर्किट है। AC ट्रैक सर्किट ये सबसे पहले मुंबई सेक्शन में लगाता है, ये 1500 वोल्ट DC पे एरिया में, जहाँ पे DC ट्रैक्शन एरिया है, जो कि 1500 वोल्ट पे DC ट्रैक्शन एरिया काम करता है। तो उसमें AC ट्रैक सर्किट हम अपने सर्किट में नीचे ट्रैक में प्रयोग करते हैं, AC ट्रैक सर्किट। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट या ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट होता है। और AFTC ये नॉन कोडेड और कोडेड टाइप का होता है। तो जो ट्रैक सर्किट है वो बंद ट्रैक सर्किट और खुला ट्रैक सर्किट। बंद ट्रैक सर्किट वह ट्रैक सर्किट है जिसमें ट्रैक पर कोई ट्रेन या व्हीकल न होने पर उस ट्रैक की ट्रैक रिले नॉर्मली पिकअप रहती है। और खुला ट्रैक सर्किट वो ट्रैक सर्किट है जिसमें ट्रैक पर कोई ट्रेन या व्हीकल न होने पर उस ट्रैक की ट्रैक रिले नॉर्मली ड्रॉप अवस्था में रहती है। रेल प्रतिरोध वह नेट रेजिस्टेंस है जो ट्रैक सर्किट में जंग खाई या रस्टी रेलों और ख़राब तथा गले सड़े बॉन्ड वायर व जम्फर वायर द्वारा सर्किट में क्रिएट होता है। इसे RR से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट ओम है। रेल रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से ही ड्राइव किया गया है। रेल प्रतिरोध बराबर ट्रैक सर्किट के सिरों पर विभव का अंतर, ये ट्रैक सर्किट के सिरों पर वोल्टेज डिफरेंस अपॉन ट्रैक सर्किट में बहने वाली एवरेज करंट। तो ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू V/I से ड्राइव किया गया है। तो इसमें ट्रैक सर्किट के सिरों पर विभव का अंतर क्या है, फीड एंड पर वोल्टेज ली हमने माइनस रिले एंड पर वोल्टेज, ठीक है, अपॉन फीड एंड पर करंट प्लस रिले एंड पर करंट अपॉन टू। तो वो टू ऊपर आ गया है, तो ये फाइनल फॉर्मूला है। रेल प्रतिरोध जो है वो लंबे ट्रैक सर्किट में रेल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो अधिकतम जो मान रेल रेस्टेंस की वैल्यू है वो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि रेल रेस्टेंस 700 मीटर तक लंबे ट्रैक सर्किट के लिए 1.5 ओम पर किलोमीटर
से अधिक नहीं होना चाहिए तथा 700 मीटर से अधिक लंबे ट्रैक के लिए इसकी वैल्यू 0.5 ओम पर किलोमीटर तक हो सकती है। तो आर आर ट्रैक सर्किट की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ट्रैक सर्किट की लंबाई यदि बढ़ेगी तो रेल रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। रेल प्रतिरोध ट्रैक रिले पर वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात वोल्टेज बढ़ेगी तो रेल प्रतिरोध घटेगा और वोल्टेज घटेगी तो रेल प्रतिरोध बढ़ेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है व्युत्क्रमानुपाती। फिर आता है दूसरा ट्रैक सर्किट में एक रेजिस्टेंस, दैट इज नॉन एज बैलास्ट रेजिस्टेंस। इसको आर बी से डिनोट करते हैं। बैलास्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है कि वह नेट रेजिस्टेंस है जो ट्रैक सर्किट में खराब बैलास्ट और गले सड़े या रस्टे लकड़ी के या वुडन पीआरसी स्लीपरों द्वारा हमारे सर्किट में उत्पन्न होता है, चाहे वो लकड़ी के स्लीपर हैं या पीआरसी के हैं, मिले जुले एनी हाउ इसे आरबी से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट ओम है बैलास्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये भी ओम के नियम से ड्राइव किया गया है। बैलास्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वही आर इज इक्वल टू वी बटे आई, में जो वोल्टेज है वो ट्रैक सर्किट की एवरेज वोल्टेज आई और ट्रैक सर्किट की लीकेज करंट। तो एवरेज वोल्टेज में फीड एंड पर वोल्टेज प्लस रिले एंड पर वोल्टेज अपॉन टू, और ट्रैक सर्किट की लीकेज करंट तो फीड एंड पर करंट माइनस रिले एंड पर करंट। तो ये फाइनल फार्मूला है बैलास्ट रेजिस्टेंस का। वोल्टेज में करंट जो फीड एंड पर वोल्टेज और रिले एंड पर वोल्टेज और फीड एंड पर करंट और रिले एंड पर करंट, रेल रेजिस्टेंस और बैलास्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन चार चीज़ों का मेजर करना बहुत ज़रूरी है। तो वी एफ फीड छोर पर वोल्टेज डिनोट कर रही है, वी आर रिले एंड पर वोल्टेज, आई एफ फीड छोर या फीड एंड पर करंट और आई आर रिले एंड पर करंट। बैलास्ट रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस किस पर है? बैलास्ट रेजिस्टेंस ट्रैक सर्किट की लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात ट्रैक सर्किट की लंबाई यदि बढ़ती है तो बैलास्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बैलास्ट रेजिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, कम होने का मतलब लीकेज है ट्रैक में, तो बैलास्ट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। ट्रैक सर्किट की लंबाई बढ़ने पर बैलास्ट रेजिस्टेंस घटता है, अभी बात बताई मैंने। तो बैलास्ट रेजिस्टेंस ट्रैक रिले पर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रिले पर वोल्टेज बढ़ी तो बैलास्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आर बी समानुपाती रिले पर वोल्टेज, जो बैलास्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये ध्यान देने योग्य बात है कि 2 ओम पर किलोमीटर स्टेशन सेक्शन में और 4 ओम पर किलोमीटर ब्लॉक सेक्शन में इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम होगी तो ट्रैक सर्किट फेल हो सकता है और अनसेफ कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, फेलियर से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको मेंटेन करना। ट्रेन शंट रेजिस्टेंस वह मैक्सिमम प्रतिरोध है जो ट्रैक रिले के अक्रॉस लगाने पर ट्रैक रिले अपने फ्रंट कॉन्टैक्ट तोड़ देती है, यानी ये गाड़ी आने की कंडीशन हम क्रिएट करते हैं इससे, क्योंकि एक्सेल में भी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली यही होता है 0.5 ओम, तो इसका मान 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम तो हो सकता है बट अधिक नहीं होना चाहिए। डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ प्रबंध, दोस्तों डीसी ट्रैक सर्किट हमारा फेल होता है तो सेफ साइड में फेल होना चाहिए, अनसेफ साइड में फेल नहीं हो, इसलिए हम डीसी ट्रैक सर्किट का जो एडजस्टमेंट करते हैं वो एडजस्टमेंट फेल सेफ एडजस्टमेंट कहलाता है। तो वो क्या है? यदि कोई ट्रैक सर्किट फेल हो तो सेफ साइड हो, अनसेफ साइड फेल ना हो, इसलिए डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ प्रबंध किया जाता है। इसलिए ट्रैक रिले को, जो इस ट्रैक के ट्रैक रिले है उसको हम फीड एंड से खोल के सीधे फीड रिले छोर से खोल के या रिले एंड से खोल के फीड छोर पर लाकर डायरेक्टली बांध देते हैं, और वो जो रिले हैं वो हमारे सर्किट से अलग हो जाती हैं, तो एक अनंत बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन क्रिएट करते हैं इसके लिए मैक्सिमम
इन्फिनिटी ब्लास्ट डिस्टेंस की कंडीशन ऐसे ही होगी कि हम ट्रैक रिले को खोल के और सीधे फीड छोर पर बांध दें और सर्किट से ट्रैक रिले को हटा दें टाइमिंग। देन अब क्या करते हैं, रिले के अक्रॉस सबसे पहले हम आधा ओम का ट्रेन शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तथा रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस पर सही टेपिंग चुनकर रिले पर वोल्टेज उसके ड्रॉप अवे वैल्यू की 85% एडजस्ट करते हैं। यदि इससे ज़्यादा है तो हम कम करेंगे, तो ऐसी रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस पर टेपिंग हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी ड्रॉप अवे वैल्यू की 85% से ज़्यादा ना हो। दूसरा, आप शंट रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और रिले पर वोल्टेज नापते हैं। यह वोल्टेज सेल्फ टाइप ट्रैक रिले के लिए उसके पिकअप वैल्यू से अधिक है तो QBAT रिले को छोड़कर प्लग इन टाइप ट्रैक रिले के लिए उसकी पिकअप वैल्यू के 300% से अधिक है तथा QBAT रिले के लिए 235% से अधिक है, तब पर्याप्त रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस बढ़ाकर उसे नीचे लाएं। यदि रिले पर वोल्टेज कम मिलती है तो वह बढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि इस केस में इम्प्रूव्ड बैलास्ट रेजिस्टेंस कंडीशन में ट्रैक सर्किट की वर्किंग अनसेफ हो सकती है। थर्ड वन है, यह आवश्यक चेक कर लें कि मिनिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस की स्थिति इस समय फीड वोल्टेज स्थिति में रिले पर कम से कम आवश्यक वोल्टेज उपलब्ध है या नहीं। जैसे ही रिले पर वोल्टेज पर्याप्त हो जाती है तो ट्रैक को सर्किट में जोड़ देते हैं। अब चेक करें कि QBAT रिले को छोड़कर रिले पर वोल्टेज उसके पिकअप वैल्यू के 125% से कम ना हो तथा QBAT रिले के लिए 122% से कम ना हो, तो ये कंडीशन है। अब यदि वोल्टेज कम मिलती है तो रिले पर वोल्टेज बढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि यदि बाद में बैलास्ट रेजिस्टेंस या बैलास्ट की कंडीशन इम्प्रूव होती है तो रिले के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी, जिससे कि कम TSR चाहिए। यह ट्रैक सर्किट की वर्किंग अनसेफ बना सकता है, तो ये देखना है हमें। यदि बैलास्ट कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती है तो ट्रैक सर्किट को दो या दो से अधिक हिस्सों में अलग अलग रिलेज लगाकर बांट देंगे, अर्थात ऐसे ट्रैक को हम दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड कर देंगे। तो ये प्रबंध फीड ओवर या कट सेक्शन ट्रैक सर्किट प्रबंध के नाम से जाना जाता है। पैरामीटर्स, ट्रैक के अंतिम हिस्से के रिले पर पूरे सेक्शन की ट्रैक रिले कहलाती है। जो ट्रैक की जो लास्ट रिले है ना, वो कहलाती है पूरे सेक्शन की ट्रैक रिले तथा तो ये रिले डिटेक्शन में अन्य कंट्रोल के पर्पस से फाइनली इस रिले को प्रयोग करेंगे। जैसे ट्रैक को AT और BT या AT BT CT पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो फाइनल लास्ट वाला ट्रैक है BT या CT, तो उसकी ट्रैक रिले को फाइनली हम यूज करते हैं सर्किट में। साथियों, DC ट्रैक सर्किट के कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम वो पैरामीटर्स रेंज में रखेंगे तो हमारा DC ट्रैक सर्किट ठीक काम करेगा। इसमें यदि नॉन आरी क्षेत्र है और उसमें लकड़ी के स्लीपर या PRC स्लीपरों पर ट्रैक सर्किट ब्लॉक सेक्शन में लगे हों, तो जो ट्रैक सर्किट की लंबाई है 1 किलोमीटर व स्टेशन सेक्शन तथा यार्ड में जो लेंथ है वो 670 मीटर मैक्सिमम हो सकती है। ये लिमिट है हमारी ट्रैक सर्किट की, इस प्रकार के PRC से लिए बराबर। नंबर दो, नॉन आरी क्षेत्र में यदि ट्रैक सर्किट 100 मीटर से अधिक लंबा हो तो 2.25 ओम की TR का प्रयोग करते हैं। TR में ट्रैक रिले का प्रयोग करते हैं। थर्ड वन, यदि ट्रैक सर्किट 100 मीटर तक लंबा हो तो 9 ओम की ट्रैक रिले प्रयोग करेंगे। फोर्थ, न्यूनतम बैलास्ट रेजिस्टेंस का मान यानी मिनिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस का मान लकड़ी या PRC स्लीपरों पर स्टेशन सेक्शन में 2 ओम पर किलोमीटर और ब्लॉक सेक्शन में 4 ओम पर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए।
फिफ्थ रेल प्रतिरोध का मान 700 मीटर तक लंबे ट्रैक सर्किट के लिए 1.5 ओम/किलोमीटर से अधिक न हो, 700 मीटर से अधिक लंबे ट्रैक के लिए इसकी वैल्यू 0.5 ओम/किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, कंडीशन है। लकड़ी व पीआरसी स्लीपरों पर टीएसआर 0.5 ओम से कम नहीं होना चाहिए। सेवन तारी क्षेत्र में केवल एसी इम्यूनाइज्ड 9 ओम की ट्रैक रिले का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसमें हम 2.25 ओम की रिले प्रयोग नहीं करेंगे, या 4.5-4 ओम की दो कोयल होती हैं उसमें, तो हम 9 ओम पर ही उसको प्रयोग करेंगे। एट्थ आरी क्षेत्र के स्टेशन सेक्शन यार्ड में लकड़ी के स्लीपर के साथ ट्रैक सर्किट की लंबाई 450 मीटर तथा पीआरसी स्लीपर में यह लंबाई 350 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आरी क्षेत्र के ब्लॉक सेक्शन में 450 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पार्ट्स क्या हैं दोस्तों? इसमें ट्रैक सर्किट में बैटरी अथवा सोर्स होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, लीड केबल, जम्पर केबल, आउटगोइंग व इनकमिंग ये टर्मिनल होते हैं TLJB बॉक्स में, स्लीपर, बैलास्ट, ट्रैक रिले, TLJB अभी बताइए, ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स, इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स, चैनल पिन होगी, बॉन्ड वायर और फ्यूज, ये इसके इतने हमारे पार्ट चाहिए। इसमें हमारे ट्रैक सर्किट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो PRC स्लीपर प्रयोग होते हैं ट्रैक सर्किट पोर्शन में, तो उनकी टेस्टिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे ट्रैक सर्किट में वो शॉर्ट कंडीशन में कोई PRC स्लीपर ना हो या ख़राब ना हो, तो इंजर्ट करने से पहले टेस्टिंग उसकी करते हैं। इसमें जहाँ पर संवेदनशील मल्टीमीटर के लिए इसकी कोयल का प्रतिरोध 20 किलो ओम पर वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। नंबर दो, PRC स्लीपर के इंजर्ट्स के सरफेस को साफ़ करेंगे टेस्टिंग के लिए, हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो PRC स्लीपर में जो हमारे दोनों तरफ इंजर्ट्स हैं उनको हम साफ़ करेंगे और उनके बीच प्रतिरोध चेक करेंगे। यदि इंजर्ट 4 इंजर्ट होते हैं तो हमने उनको ABCD माना, तो ABCD में ए व बी तथा ए व सी के साथ, और फिर ए का डी के साथ और बी का सी के साथ और बी का डी के साथ और सी का डी के साथ, इनके बीच रीडिंग प्रतिरोध चेक करने पर सबसे कम होगी, जो जो रीडिंग आ रही है इनकी डिफरेंट, तो वो हमने नोट कर ली, तो जो सबसे कम वैल्यू होगी उसे ही PRC स्लीपर का रेजिस्टेंस कहेंगे, तो उसे देख लेंगे। नॉन आरी व ACRE क्षेत्र में PRC स्लीपर का प्रतिरोध, वो जो रेजिस्टेंस मेजर किया है वो 500 ओम से कम नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। ग्लूट जॉइंट ट्रैक सर्किट में हमारा ग्लूट जॉइंट प्रयोग होता है, तो ग्लूट जॉइंट की भी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इसे 100 वोल्ट के मेगर से टेस्ट करते हैं, तो उस मेगर को ग्लूट जॉइंट के दोनों तरफ की रेलों पर लगाने पर ड्राई कंडीशन में कम से कम इंसुलेशन रेजिस्टेंस 25 मेगा ओम तक होना चाहिए, यानी 25 मेगा ओम से कम ना हो सूखी कंडीशन में, तथा वेट वेदर में ये जो रेजिस्टेंस है यानी गीले मौसम में ये 3 किलो ओम से कम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है, कम है, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम ग्लूट जॉइंट को नहीं डालेंगे, हटा देंगे, वो ख़राब माना जाएगा। इसमें एक चीज़ आती है डेड सेक्शन ट्रैक सर्किट में, तो डेड सेक्शन क्या है? डेड सेक्शन यह ट्रैक सर्किट का वो पोर्शन है जिस पर गाड़ी के पहिए के रहने पर भी ट्रैक रिले संट नहीं होता। ऐसी अवस्था तब आती है जब ट्रैक सर्किट की दोनों रेल एक ही पोलरिटी की हों। उसको दूर करने के लिए ट्रैक सर्किट के दोनों जोड़ आमने सामने रखने चाहिए, किंतु कभी कभी लेवल क्रॉसिंग या पुलिया पर डेड सेक्शन बनाना पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो डेड सेक्शन की लंबाई की कंडीशन रखी है कि वो डेड सेक्शन 6 फीट अर्थात 1.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रैक सर्किट की विफलताएं किस प्रकार की हैं दोस्तों? बैटरी ख़राब हो सकती है,
ट्रैक लीड जो वायर्स हैं उनमें ब्रेक हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। जम्पर वायर आपके टूट सकते हैं या आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। जम्पर वायर का किसी अपोजिट पोलरिटी वाली रेल से छू सकता है, क्योंकि वो नीचे से जम्पर वायर जाता है रेलों के ट्रैक में। बॉन्ड वायर टूट सकता है, लूज बॉन्डिंग हो सकती है, ट्रैक सर्किट का बैलेंस रेजिस्टेंस कम हो सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक सर्किट का बैलेंस रेजिस्टेंस जो है वो कम नहीं होना चाहिए। जो 2 ओम पर किलोमीटर इन स्टेशन सेक्शन और 4 ओम पर किलोमीटर इन स्टेशन सेक्शन, वो दो बातें बताई थी, तो उससे बात करेंगे। ट्रैक रिले ख़राब हो सकती है आपकी। ट्रैक सर्किट की साधारण विफलताएं में आगे ट्रैक सर्किट का फ्यूज़ ब्लोन ऑफ हो सकता है, इंसुलेशन जॉइंट का ख़राब हो सकता है, ट्रैक में पानी एक्यूमुलेट हो सकता है, ट्रैक रेलों का मिट्टी से टचिंग हो सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का एडजस्टमेंट ख़राब हो सकता है। पीआरसी स्लीपर में लाइनर्स और पैड्स वो कम होने के कारण हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। आरी क्षेत्र में ट्रैक बॉन्ड दोबारा शॉर्ट हो जाना, ट्रैक बॉन्डों का आरी क्षेत्र में चौक का ख़राब हो जाना, पीएलजेबी का टूट जाना, पुलों पर रेलों का गर्डर आदि से शॉर्ट हो जाना। ट्रबल शूटिंग हमारी, हम निम्न बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे ट्रैक सर्किट के मामले में, कि हम बैटरी को ध्यानपूर्वक मेंटेन करें, यानी उसकी अच्छी मेंटेनेंस रखें, रन डाउन ना होने दें। लीड वायर केबलों का इंसुलेशन टेस्ट करते रहें। जम्पर वायरों की फिटिंग एंड मेंटेनेंस पर ध्यान रखें। बॉन्डिंग तथा चैनल पिनों को ठीक प्रकार से इंजर्ट करें, ठोकें उन्हें। ट्रैक में बरसात का पानी भरने से रोकने का प्रबंध करें। रेल प्रतिरोध, बैलास्ट रेजिस्टेंस, इन दोनों को अपनी अपनी सीमाओं में रखें। TSR दोबारा ट्रैक को समय पर टेस्ट करें। TSR से ट्रबल शूटिंग में आगे जॉइंट्स को समय से बदल देना चाहिए। PRC स्लीपरों का इंसुलेशन चेक करना चाहिए। 3 माह में TR लेके कोयल के कनेक्शन आपस में बदल देने चाहिए। कट सेक्शन DC ट्रैक सर्किट क्या होता है उसके बारे में, जब कोई ट्रैक सर्किट अधिक लंबा है तो उसका बैलास्ट रेजिस्टेंस लिमिट से कम हो जाएगा, हो सकने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसके फेल सेफ होने की संभावना, उसके फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है बढ़ जाती है। इस स्थिति में ट्रैक सर्किट को कई भागों में बांट देते हैं, जैसे बर्थिंग ट्रैक है खासकर, तो उसको हम AT BT CT 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और उसका प्रत्येक पार्ट जो है पूरा ट्रैक सर्किट होता है। इसमें एक ट्रैक की TR रिले पहले वाले की दूसरे ट्रैक सर्किट की फीड कंट्रोल करती है, और अंतिम TR जो होगी लास्ट वाले ट्रैक की जो ट्रैक रिले होगी वो हमारी ट्रैक प्रूविंग रिले या TPR के रूप में प्रयोग होगी, TPR बना देंगे उसको। इस प्रकार ट्रैक सर्किट के किसी भी भाग पर गाड़ी होने से TPR गिर जाएगी और ट्रैक जाम होने का वो इंडिकेशन देती है। इसमें लास्ट में दोस्तों DC ट्रैक सर्किट में हम क्या करें या क्या ना करें, इन चीज़ों पर हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो क्या हमें नहीं करना चाहिए ट्रैक सर्किट में, ये बहुत ज़रूरी है। इंसुलेशन जोड़ जो इंसुलेशन जॉइंट है वो पीवे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके अनुपस्थिति में ही खोलना चाहिए। दूसरा, ट्रैक फीड बैटरी को कभी भी ओवरचार्ज नहीं करें। ट्रैक रिले को सीधी फीड देकर इनर्जाइज न करें, और आरी क्षेत्र में बिना बैटरी लगाए सीधे ट्रैक फीड चार्जर से ट्रैक इनर्जाइज न करें। सेल्फ ड्राइव ट्रैक रिले को उल्टा तिरछा ना करें और न ही इसके संपर्क कॉन्टैक्टों को शॉर्ट करें। ट्रैक रिले पर मैक्सिमम वोल्टेज उसके पिकअप वैल्यू के 250% से अधिक नहीं होनी चाहिए। PRC स्लीपरों के साथ बने ट्रैक सर्किट पर 2.25 ओम की ट्रैक रिले प्रयोग करें। ऐसी ट्रैक रिले कदापि प्रयोग न करें जिस पर टेस्ट स्लिप न हो और इसमें उसके शीशे टूटे हुए हों। फिर हमें क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसमें हम ये ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैक सर्किट के विभिन्न स्थानों पर ट्रेन शंट रेजिस्टेंस लगाने पर ट्रैक अवश्य शॉर्ट हो जाना चाहिए, शंट होना चाहिए, अर्थात उस ट्रैक के ट्रैक रिले संट करने पर 0.5 ओम के TSR से संट करने पर ट्रैक रिले ड्रॉप हो जानी चाहिए।
और ये अवश्य सुनिश्चित करें कि ट्रैक सर्किट का बैलेंस रेजिस्टेंस, ट्रेन सेट रेजिस्टेंस और रेल रेजिस्टेंस सभी जो है वो निर्धारित लिमिट में होने चाहिए, जैसा कि अभी पीछे इनके पॉइंट्स बताए थे। सभी ऐसी फिटिंग्स जो रेलों के नीचे से क्रॉस कर रही हैं उन पर नज़र रखें कि वो ट्रैक सर्किट को शॉर्ट ना करें। यह सुनिश्चित करें कि किसी भी ट्रैक रिले की जिसकी ओवरहॉलिंग होना ड्यू हो वह ट्रैक पर नहीं लगी हो, वह ओवरहॉलिंग 10 वर्षों से पहले हो जानी चाहिए, अर्थात जो ट्रैक रिले है वो 10 साल तक हमारी काम करेगी, उसके बाद निकाल दें उसको, चाहे वो फेल हो या ना हो। यह सुनिश्चित करें कि जब ट्रैक को ट्रेन संट रेजिस्टेंस से संट कर दिया गया हो तो ट्रैक रिले पर मिलने वाली वोल्टेज रिले की ड्रॉप अवे वैल्यू के 85% से अधिक ना हो। ये सेफ्टी पॉइंट है, सेफ्टी आइटम है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट, अनुरक्षण, तो बॉन्ड वायर जो है वो डबल लगाएं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वायर टूट गया तो फेलियर हो जाएगा, इसलिए दो लगा देते हैं, कम से कम एक टूटे तो ट्रैक सर्किट फेल ना हो, बाद में जब मेंटेनर विजिट करे तो फिर लगा दें उसे। अगल बगल साथ साथ के ट्रैक सर्किटों की पोलरिटी उल्टी होनी चाहिए, क्रॉस बॉन्ड जहाँ भी लगे हों ठीक से वो लगे हों, इंसुलेटेड जोड़ों की फिश प्लेटों पर इंसुलेटेड पेंट लगा होना चाहिए, एक पेंट हम लगा देते हैं वहाँ पर, इंसुलेटेड पेंट होता है वो। इंसुलेटेड जोड़ों पर पैकिंग अच्छी होनी चाहिए और ग्लूड जोड़ों पर कटी हुई जे टाइप क्लिप लगी हो। ग्लूड जोड़ों का प्रतिरोध सूखे मौसम में, अभी पीछे बताया था, 25 MΩ तथा वेट वेदर में 3 किलो ओम से कम नहीं होना चाहिए। ट्रैक फीड बैटरी पर्याप्त चार्ज हो, डेड सेक्शन सामान्यतः ब्रॉड गेज में 6 फिट, मीटर गेज में 3 फिट, 9 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम 97% GFN लाइनर, यानी ग्लास फिल्ड नायलॉन लाइनर्स कहलाते हैं, PRC स्लीपरों पर लगे हों। पीवे स्टाफ की मदद से ट्रैक से पानी निकासी की एक अच्छी अरेंजमेंट होना चाहिए और जो पर्याप्त बैलास्ट रेजिस्टेंस सुनिश्चित करें, रिक्वायर्ड बैलास्ट रेजिस्टेंस तो ये मेंटेन होना चाहिए। अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने ध्यानपूर्वक ये टॉपिक DC ट्रैक सर्किट का आपने सुना और ध्यान में रखा, तो धन्यवाद दोस्तों।